एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने होली मिलन समारोह में जमकर ठुमके लगाए। उन्होंने गुलाल लगाकर सभी को होली की बधाइयां दी और फिल्मी गाने पर भी डांस किए। होली की बधाइयां देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि हरदा की होली विकास की होली है, हरदावासी ऐसे ही कमल की तरह खिलते रहे। होली का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। होली के उपलक्ष्य में ही कृषि उपज मंडी हरदा के प्रांगण में होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री कमल पटेल ने जमकर होली खेली। कृषि मंत्री ने लोगों को गुलाल लगाया और फिल्मी गानों पर जमकर ठुमके भी लगाए। कार्यक्रम में ही कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि होली का त्योहार बुराइयों को खत्म कर अच्छाइयों को बढ़ाने का त्योहार है। वैसे तो इस बार की होली हरदा की जनता के लिए विकास की होली है, क्योंकि हरदा कृषि उपज मंडी मध्य प्रदेश की सबसे आदर्श स्मार्ट मंडी बनने जा रही है, जिससे यहाँ की जनता को फायदा होगा। कृषि मंत्री ने होली की बधाइयां देते हुए कहा कि आप कमल की तरह खिलते रहें, हरदा सहित प्रदेश और देश को महकाते रहें। बुराइयों को खत्म करके अच्छाइयों को बढ़ाने का पर्व, गले मिलने का पर्व, एक दूसरे को गुलाल लगाने का पर्व है, फूलों की होली खेलने का पर्व है और नाचने गाने का पर्व है। और इसलिए होली मिलन समारोह ये हमारी परंपरा है। और आज हरदा कृषि उपज मंडी जो मध्य प्रदेश की है, तो मॉडल मंडी, आदर्श मंडी बन रही है। अभी आपने देखा कि कितनी बढ़िया सीसी रोड बन रही है, बड़ा हॉल बन रहा है, किसान सभागार बन रहा है, द्वार बन रहा है, चारों तरफ हरदा मंडी चहुमुखी विकास हो रहा है। व्यापारी भी खुश है, किसान भी खुश है, हम माल तलावटी भी खुश है, हमारे मंडी के कर्मचारी अधिकारी भी प्रसन्न है, पत्रकार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के सब जनप्रतिनिधि, हमारे कार्यकर्ता, सबको मिलकर हम होली मना रहे हैं, होली उत्सव मना रहे हैं, मिलन समारोह कर रहे हैं। और बहुत खुशी की बात है कि पूरे मंडी प्रांगण में पूरा परिवार, जिसमें किसान, मजदूर, हमाल, तलावटी, व्यापारी, अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार, नागरिक, सब मिलकर ये होली का उत्सव मना रहे हैं। आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़, आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।